नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। और याद रखिए, कक्षा 6वीं से लेकर, वैसे तो आपको कक्षा 12वीं तक की ही सभी बुक्स पढ़ लें अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर है आपके कि कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक की पढ़ लें। और फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की तो आपको बुक्स पढ़नी ही है, और बेहतर रहेगा कक्षा 6वीं से पढ़ लें, क्योंकि आपका पता होना चाहिए कि कक्षा 6वीं से 8 तक की जो भी बुक्स हैं बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई हैं। वैसे तो आपकी सभी बुक्स सरल शब्दों में लिखी गई हैं, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इन्हें पढ़ रहे हैं। एक कहानी का रूप देकर समझाया गया आपको पूरा। तो कक्षा 6वीं और 8वीं तक की आप एक सप्ताह में खत्म कर सकते हैं आराम से, अगर आप अच्छे से मन लगाकर बैठ जाए तो आराम से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम बताएं कि आपको जो जरूरी है बुक्स वो सभी टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। और एक बात कि हम लोगों ने कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं। कक्षा 10 की दो बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं, लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड और समकालीन भारत सेकंड के नाम से जो बुक्स हैं, इन दो को कवर कर चुके हैं। ये तीसरी बुक्स है हमारी, इसके बाद दो बुक्स और बचती हैं। तो आज हम बात करेंगे आर्थिक विकास की समझ, ये आपकी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स की बुक है कक्षा 10वीं की। और जैसे ही आप लोग खरीदेंगे या कहीं से आप लोग डाउनलोड करेंगे तो उसके मुख्य पेज पर, मेन पेज पर आर्थिक विकास की समझ लिखा रहेगा, और कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक इस तरह से प्रिंट रहेगा। ठीक है, शुरू में ही याद रखिए, ये आप लोग पढ़ लीजिए, पीडीएफ डाल दिए वहीं, तो अच्छे से डाउनलोड करके यहां आपको पढ़ने लग योग है। कुछ शिक्षक हेतु कुछ परिचयात्मक बातें, यह पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया के सरलीकृत रूप से परिचय कराती है। अर्थशास्त्र से मैं हम पर्याप्त विकास को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक या फिर उपभोक्ताओं के रूप में, लोगों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। कभी कभी विकास का अध्ययन मुख्यतः एक परिघटना के रूप में किया जाता है जिसे केवल आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की समृद्धि के साथ महत्व प्राप्त होता है हुआ है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी देश का विकास यानी कि अल्प विकास या अक्सर युद्धों और विजयों के परिणाम पर एवं एक देश द्वारा दूसरे देश के उपनिवेशीकरण शोषण पर निर्भर रहा है। परंतु इस पुस्तक में हम बाह्य कारकों पर बल नहीं दिया है, हमने विकास प्रक्रिया के लंबे परिदृश्य को लिया है। इस प्रक्रिया को किसी बाह्य कारकों के हस्तक्षेप या उससे बाधित होने से पहले आरंभ हो चुका है। विकास की प्रक्रिया ऐसी बाधाओं के बाद भी पुनः आरंभ हो सकती है और पराधीनता की समाप्ति के बाद स्वतंत्र रूप से जारी रह सकती है। अपने देश भारत का विकास इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी पर्टिकुलर समूह के लिए आपकी अर्थशास्त्र की बुक्स बनाई गई है। जैसे देखिए, आप लोग राजनीति की कोई भी बुक्स है तो वो किसी, ऐसा नहीं लिखा गया है कहीं आपको, जो भी टेक्स्ट बुक भी है आपके आगे, ऐसी कहीं भी आपको नहीं लिखा गया होगा कि ए आईएएस या फिर सिविल सर्विस की या फिर स्टेट पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए केवल बुक है। मैं तो कहता हूँ भारत में जो भी रह रहा हो उसे अपना भौगोलिक स्थिति जाननी चाहिए, पॉलिटिकल यानी कि राजनीति की स्थिति जाननी चाहिए, अर्थव्यवस्था की राजनीति जाननी चाहिए। अर्थव्यवस्था का एक और फायदा है आपको कि आप अपनी दैनिक जिंदगी जो भी रहती है किसी भी क्षेत्र में, आप लोग उसमें आप बेहतर जो भी काम कर रहे होंगे उसे बेहतर ढंग से कर पाएंगे अगर आप अर्थव्यवस्था को समझ गए तो। समझ रहे हैं? इस पुस्तक में सर्वप्रथम देश की विकास की शुरुआत को अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों, कृषि, विनिर्माण और सेवा के उदय के रूप में देखते हैं। हमने आर्थिक विकास को पृथक रूप में नहीं बल्कि मानव विकास की सामान्य अवधारणा, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, लोगों के जीवन की गुणवत्ता को व्यापक रूप से परिभाषित करने वाले आय सहित अन्य संकेतकों को भी शामिल किया गया है के अंग के रूप में देखने की कोशिश की है। इसमें एक बात और आप लोग हमेशा याद रखिए, किसी भी देश में अगर आपको देश की तरक्की चाहिए यानी कि देश की विकास दर को बढ़ाना है, उस देश में रहने वाले लोगों की जिंदगी को सुधारना है, तो आपको तीन काम करने होंगे। ये सबसे आधार स्तंभ है किसी भी अर्थव्यवस्था की या फिर किसी भी देश के आगे बढ़ने की, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों को बेहतर मतलब रोजगार मिल जाए। आप सोचिए, अगर आप कोई, आप हैं जैसे आपको ले लीजिए, और किसी बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चे को जो पढ़ने लायक नहीं है स्थिति में, उसके घर वाले पढ़ा नहीं सकते,
आप भी आईपी स्कूल में पढ़ते हैं, आगे आप लोग कंप्यूटर इंजीनियर या फिर किसी भी तरह से आप लोग डिग्री ले लेते हैं, तो आप मालूम चलेगा कि आप 1.5 से 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, और वो लड़का जिसे शिक्षा नहीं दी गई है वो किसी के यहाँ 2 से 3 हजार रुपये, 4 हजार 5 हजार, बहुत से बहुत 10 से 15 हजार रुपये कमा रहा होगा। तो इसमें आपको फर्क पता चला है, क्योंकि आपको शिक्षा दी गई है, स्वास्थ्य की व्यवस्था रही है, इसलिए आप आगे बढ़ गए, और उसे ये सुविधाएं नहीं दी गई है। लेकिन आप सोचिए कि हमारे देश में अगर ये सुविधा करवा दी जाए, आप जापान को देख सकते हैं, जापान 2 बार परमाणु हमला झेलने के बाद 1945 में, आपको पता होगा इतिहास आपने पढ़ा है तो तब आपने देखा है कि किस तरह से पूरी तरह से कह सकते हैं कि बर्बाद हो जाता है कोई परमाणु हमला झेलता है। आपने सुना होगा भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई आपके मध्य प्रदेश में, उसमें आपने देखा है कि अभी तक उसका प्रभाव देखा जाता है। तो आप समझिए कि छोटी सी त्रासदी थी एक गैस की, और वहां देखिए परमाणु बम गिराया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या बन गई होगी। फिर भी आप देखिए कि जापान विकसित देशों की श्रेणी में जा खड़ा हुआ है, तो कुछ तो काम है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं वहां के जो राष्ट्र प्रमुख है उनका भाषण सुन रहा था, उन्होंने 2-3 बातें कही कि हमारे यहाँ का जो भी नागरिक है वो 5 घंटे अपने बारे में सोचता है तो 1 घंटे देश के बारे में भी सोचता है, अगर वो 6 घंटे देश के अपने लिए काम कर रहा है तो 1 घंटे देश के लिए भी काम करता है। और सबसे बड़ी वहां मानव पूंजी है, उनका कहना था कि सबसे बड़ी मानव पूंजी है। आप सोचिए कि आपके यहाँ से 1 किलो लोहा उनने मंगाया, कच्चा लोहा कितने का, 15 से 20 रुपए किलो मिल जाएगा, ठीक है। वहां जाएंगे वो चाकूओं में बदल देंगे, 1 किलो लोहे से आप समझिए कि कम से कम 100 चाकू निकल आती है, और 10-10 रुपए की ही बेचते हैं आप लोग, तो किस तरह से कितने रुपए आएंगे आप समझ सकते हैं कि एक मतलब 25 रुपए का या 20 रुपए का आप समझ सकते हैं कि हजारों रुपए में बदल जाती है, समझ रहे हैं। ये स्थिति मतलब हमें देखनी होगी, अगर आपके पास भी बेहतर मानव पूंजी होती, टेक्नोलॉजी होती तो आप भी तो ये काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम देखिए आज आप लोग देखिए, सबसे पहले हमारे जीरो का आविष्कार कहाँ होगा, भारत में, और आपने देखा होगा कि भारत बस उसी को लेकर मतलब एक तरह का गुरूर करते रहे भारत के लोग, उसी जीरो को लेकर अमेरिका, रूस, बाकी देशों को देखिए, पूरा आप उन्होंने यूज करके साइबर वर्ल्ड खड़ा कर दिया एक तरह से आप कह सकते हैं। कि देखिए यूट्यूब देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, व्हाट्सअप देख लीजिए, इस तरह से कई आप देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म उन्होंने दिए हैं सोशल मीडिया पर, और हम अपने देखिए हमारे पास कुछ नहीं है इस तरह की सुविधा। चाइना को देख लीजिए, चाइना अपने यहाँ का यूट्यूब अपनी फेसबुक अपना जो भी विकिपीडिया सभी अपना बनाए हुए हैं। एक फायदा रहता है इससे, क्या रहता है कि अगर हमारे यहाँ साइबर अटैक होता है, साइबर हमला, तो उससे भी हम सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो आंकड़े रहेंगे, हमें मालूम तो रहेगा कि किस तरह से चोरी हो सकती है, लेकिन बाहर सेव होता है हमारा डाटा, तो हमें इसका भी डर बना रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारी नीतियों में फैलिए रही है, और आप देख सकते हैं कि देखिए कभी भी हिंदू मुस्लिम या फिर राम मस्जिद मंदिर, मैं नहीं कहता हूं, मैं किसी धर्म के विरोध में नहीं हूं बिल्कुल, ये दिमाग से अपने निकाल दीजिए, मुझे नहीं, मैं भगवान को उतना ही मानता हूँ, सबको उतना ही मान रहा हूँ, और मेरी श्रद्धा है, मैं मानता हूँ मैं, लेकिन 10 रुपये दान करने की बजाय बाहर बैठे भिखारी को 10 रुपये दे सकता हूँ, या फिर हो सकता है कि मैं गली चलत अगर किसी को जरूरत है तो उसकी मदद करना है, मैं हमें खुशी मिलती है दान करने की बजाय, यहाँ इसलिए क्योंकि हमें उसमें भगवान पर पूरा भरोसा है, लेकिन वहां जो काम करने वाले जो ठेकेदार है उन पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब देश की राजनीति पर, संविधान पर सबको भरोसा है, लेकिन संविधान मतलब आप सोच सकते हैं नेताओं पर किसी को भरोसा नहीं, और कभी भी आप सोचें कि धर्म के नाम पर वोट लेकर या फिर अलग अलग समूहों में बांटकर देश को तरक्की मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। जापान का एक और सक्सेस होने का उदाहरण है, क्योंकि वहां जातिवाद में नहीं बटा हुआ है जापान कि आज ये जाति का प्रधानमंत्री बनेगा, कल उस जाति का प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हमारे यहाँ अधिकतर राज्य देखते हैं कि इसी नाम पर मरते करते रहते हैं और लोग इसी में अपनी जिंदगी गुजारा करते रहते हैं, इस धर्म की बुराई, उस धर्म की बुराई। कहते हैं कि जब हमारे देश में बाकी हिस्सों में आपका इस तरह की धर्म भावनाओं से टकराहट हो रही थी, उस समय आपका केरल स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की मांग कर रहा था, यानी कि चुनाव उसी पर हो रहे थे, इन तीनों चारों मुद्दे पर।
आज आप देख सकते हैं कि केरल में शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, फिर चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, आप लोग बेहतर है सभी राज्यों से। उसके बाद मुझे दिल्ली का भी उदाहरण ठीक लगा। देखिए फ्री का उन्हें भी हमने लाइन में लगे हुए देखा है जियो की सिम लेते हुए, जो मतलब अपने बाप की अच्छी औलाद है, मतलब उनके यहाँ कोई कमी नहीं है, फिर भी वो भी फ्री का लेना चाह रहे हैं। अभी भी देखते हैं कि कई हॉस्पिटल में गरीबों के इलाज से ज्यादा जो अच्छे माहौल में, यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो भी फ्री में इलाज करवाते हैं। तो ऐसा कभी मत बोला करिए कि फ्री के खाने की आदत हो गई। सरकार का क्या मतलब है, नेता का और सरकार का मतलब क्या है कि आप लोगों की सेवा करना। दिल्ली ने देखिए बेहतर शिक्षा दी है, स्वास्थ्य भी बेहतर दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले रिजल्ट आया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 97 से 98% स्कोर कर रहे हैं सरकारी स्कूल के बच्चे। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी बेहतर शिक्षा हुई, कि प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूल ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। तो अगर देश में ये पूरी व्यवस्था फैल जाए तो आप समझिए कि देश कहाँ पहुंच सकता है। हमें किसी की मदद नहीं करनी पड़ेगी कि मतलब हमने योजनाएं ले आके दे दी कि लीजिए फ्री का खाइए, ऐसा करिए। उन्हें शिक्षा दीजिए, वो अपने आप पैर पर खड़े हो जाएंगे, वो अपनी तरक्की तो करेंगे, साथ में देश की भी तरक्की में योगदान देंगे। तो आपको समझना होगा इन्हें, ठीक है। प्रथम अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि लोग वास्तव में विकास की अवधारणा को कैसे समझते हैं, इसका मापन कैसे किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए कई मापदंड हैं। हम देखेंगे कि विकास को समझने में कुछ महत्वपूर्ण विकास संकेतक कहां तक सहायक हैं और विकास प्रक्रिया अलग अलग लोगों को कैसे अलग अलग रूप में प्रभावित कर सकती है। एक प्रक्रिया के रूप में विकास की शुरुआत संभवतः अतीत में कुछ पहले हुई। विकास को हम जिस अर्थ में समझते हैं उस अर्थ में शायद किसी भी देश को विकसित नहीं कहा जा सकता है। विकास प्रक्रिया की शुरुआत संभवतः मानव बसावटों से हुई होगी, जब लोग अपेक्षाकृत शांति से और कम या फिर अधिक निश्चित निवास स्थानों से बड़े पैमाने पर कृषि संभव नहीं होने के बावजूद रहने लगे। जब कृषि की शुरुआत हो रही और कृषिगत क्रियाओं का विकास आरंभ हुआ, तब संभवतः अन्य प्राकृतिक उत्पादों जैसे खनिज अयस्कों के निष्कर्षण की भी शुरुआत हुई। पत्थरों एवं अन्य खनिजों को प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को उत्खनन करते हैं, यानी कि इनके निकालने की प्रक्रिया को उत्खनन कह देते हैं आप लोग। मनुष्य ने औजार, अस्त्र, शस्त्र, बर्तन, मछली का जाल और अनेक चीजें बनाने के लिए अखाद्य उत्पादों जैसे पेड़ों से लकड़ी कच्चे माल के रूप में उत्खनन से प्राप्त खनिजों का उपयोग करना सीखा। ये प्रथा मानव निर्मित उत्पाद थे जिन्हें शिल्प कृतियां कहा जाता है। याद रखिए शिल्पी उन्हें कहा जाता है कि जो काम करने वाले होते हैं, बनाते हैं सामान। अब आप कई बार आप देखते हैं कि कुम्हार जो होते हैं घड़ा बनाते हैं, उन्हें भी शिल्पी कह देते हैं। अर्थशास्त्री कृषि उत्खनन सहित जिसमें फल चावल खनिज जैसे शुद्ध प्राकृतिक उत्पादों का संग्रहण खेती या फिर निष्कर्षण शामिल है से अंतर करने के लिए शिल्प कृतियां बनाने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण का मतलब यह है कि आप समझिए कि विनिर्माण आप एक तरह से कह सकते हैं कि गेहूं आया। एक देखिए उदाहरण कोई भी लीजिए आप, बस आपको समझ में होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी उदाहरण लीजिए, मैं हमेशा कहता हूं कि समझ में आना चाहिए। आपने खेती फसल हुई, गेहूं निकला, उसके बाद आपने आटा बनाया, उसके बाद आपने देखा है बिस्किट बनता है, ब्रेड बनता है उससे, तो ये क्या हो गया, विनिर्माण। ये आपकी मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आपकी कृषि आ गई और द्वितीयक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, विनिर्माण उद्योग, जिनमें आप देखेंगे कि बिस्किट बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं उससे, तो ये है आपका विनिर्माण। उत्खनन सहित कृषि जिसमें आपका प्राथमिक क्षेत्र भी शामिल है, विनिर्माण जिसमें द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं हम लोग। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, जिसमें बिल्कुल निचले का आप समझ सकते हैं कि दूध हो गया, पशुपालन, आप सोचिए कृषि हो गया, समझ रहे हैं, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि सबसे निचले स्तर पर। फिर विनिर्माण में आप कुछ और आगे बढ़ जाएंगे, वहां आप लोग तरह तरह की आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी और आप उसे बदलते रहेंगे। इन दो क्षेत्रों के बीच उत्पादन गतिविधियों का विभाजन आर्थिक विकास का संभवतः प्रथम दृष्ट स्वरूप था। यह विभाजन श्रम विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। यह नाम अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ द्वारा दिया गया। इस प्रक्रिया की संक्षिप्त व्याख्या नीचे की गई है। अभी मैंने कई जगह पढ़ा है ऐसा कि देखिए मैं इतना मतलब ज्ञाता तो नहीं हूं, लेकिन मैंने पढ़ा है वही बता रहा हूं कि अभी पढ़ रहा था कि हम लोगों ने क्या किया कि प्राथमिक क्षेत्र तो हमारा ठीक है,
कृषि पर आप देखते हैं कि कई राज्य ऐसे भी जहाँ 70-75% और 80% तक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन कृषि पर वही लोग हमारे यहाँ निर्भर हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं। आप देख रहे होंगे कि पढ़ने वाले कम ही खेती करते हैं, और द्वितीय क्षेत्र में वो लोग आते हैं जो मीडियम वर्ग के होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे जागरूक होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि द्वितीय क्षेत्र पर हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और सबसे ज्यादा आप जानते हैं कि द्वितीय क्षेत्र ही जो होता है यही आपका रोजगार पैदा करता है, तो इसी का हम लोग फायदा नहीं उठा पाए। हम लोगों ने द्वितीय क्षेत्र में कम योगदान देते हुए तृतीय क्षेत्र में यानी कि सर्विस सेक्टर में प्रवेश कर गए। तो सर्विस सेक्टर में आप जानते हैं कि उसी को नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है जो बेहतर शिक्षित होता है, हर तरह से कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए उसे, हर चीज की। इस तरह से सर्वप्रथम एक व्यक्ति या कम से कम एक परिवार के सदस्य संभवतः सभी कार्य स्वयं करते थे। उसके बाद कहीं कहीं श्रम विभाजन का लाभ महसूस किया गया। मानव ने अनुभव के साथ पाया कि जब कुछ लोगों ने मछली पकड़ने, कुछ अन्य लोगों ने खेतों की जुताई या फिर मिट्टी के बर्तन बनाने या पक्षियों और जानवरों का शिकार करना सीखने पर ध्यान केंद्रित किया तो दक्षतापूर्ण ढंग से उत्पादन होने लगा। यह भी एक प्रकार का विकास ही है। इसके बाद विशेषज्ञों का उदय हुआ और जो स्वयं वस्तुओं का बिल्कुल उत्पादन नहीं करते थे परंतु दूसरों को यह बताने की मैं विशेषज्ञ थे कि बेहतर ढंग से उत्पादन कैसे किया जाए। जो डॉक्टर थे वे घायल व बीमार पड़े लोगों का उपचार करते थे। इस प्रकार श्रम विभाजन से स्वतः स्वभावतः सभी लोगों की उत्पादकता में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ। एक तरह से आप ले सकते हैं विकास आज की बात नहीं है, हड़प्पा सभ्यता से आप जोड़कर देख सकते हैं। ये एक समय के बाद क्या हुआ कि पेड़ जंगलों में रहते थे लोग, और जो छाल होती थी या फिर खाल होती थी जानवरों की, उन्हीं को कपड़ों के रूप में यूज करते थे, फल फूल और मांस पर निर्भर रहते थे। फिर विकास हुआ तो उन्होंने क्या किया कि खेती करने लगे, वस्त्र पहनने लगे, बेहतर मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप लोग बेहतर ढंग से शिकार करने लगे, छोटे पक्षियों को भी मार के खाने लगे, यानी कि आप बेहतर मतलब विकास ही तो हो रहा है। एक बच्चे के जन्म को भी आप ले सकते हैं कि उसका जन्म हुआ, उसके बाद वो घुटनों के बल चलना शुरू हुआ, उसके बाद वो खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद वो चलना हुआ, मतलब उसके विकास ही तो हो रहा है, उसकी प्रक्रिया देख सकते हैं आप लोग। फिर दूसरे अध्याय में हम उस तरीके का अध्ययन करेंगे जिसके तहत आधुनिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के ढांचे में समझा जा सकता है। यह चर्चा तीनों क्षेत्रों में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप पर केंद्रित है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण के दो अन्य रूपों, संगठित और असंगठित, और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भी चर्चा की गई। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को समझने में वर्गीकरण के अन्य रूपों की प्रासंगिकता की विस्तृत व्याख्या वास्तविक जीवन के उदाहरणों और संदर्भ अध्ययनों के माध्यम से की गई। इतना कह सकता हूं कि आप सोचिए अगर हमारे देश में शिक्षा सब लोगों को मिलने लगे, स्वास्थ्य मिलने लगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा देश कभी पिछड़ा रहेगा। हम कुछ ही पलों में देखेंगे किस तरह से हमारा देश तरक्की करेगा। तृतीय अध्याय में हम लोग तीसरे अध्याय में मुद्रा संसार में ले जाता है, जहां आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका, इसके प्रकार एवं अनेक संस्थाओं जैसे बैंकों के से संबंध की चर्चा है। इस अध्याय में लोगों को साख उपलब्ध कराने वाली अन्य संस्थाओं और बैंकों की भूमिका पर चर्चा की गई है। चर्चा में साख के जिन मुद्दों पर बल दिया गया है वे हैं जनसंख्या के एक बड़े भाग के बीच साख की उपलब्धता, भारत में अनौपचारिक साख की बहुलता और उत्पादक निवेश, उच्चतर आय प्रवाह, उत्पादक निवेश में सहायक, उच्च जीवन स्तर पर का स्वपोषित सूचक तथा ऋणग्रस्तता, निर्धनता की वृद्धि में सहायक का जाल दुष्चक के निर्माण में साख की भूमिका, ये सभी अवधारणाएं संदर्भ अध्ययनों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। उसके बाद हम लोग वैश्वीकरण, एक महत्वपूर्ण परिघटना जिसमें विकास प्रक्रिया और विश्व के लोगों को कई तरह से प्रभावित किया है। चतुर्थ यानी कि चौथे अध्याय में हम लोग वैश्वीकरण के एक विशेष आर्थिक आयाम, उत्पादन के जटिल ताने बाने पर केंद्रित है। इसमें व्याख्या की गई है कि केंद्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापार और निवेश के जरिए वैश्वीकरण में मदद करती हैं।
इस अध्याय में वैश्वीकरण में सहायक कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारकों और संस्थाओं को भी ध्यान में मिल को भी स्थान मिला है। अध्याय के अंत में भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक मूल्यांकन भी करेंगे। आप जानते हैं कि कई बार आपका मन समय भी इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इनके सकारात्मक और नकारात्मक कारक बताइए, मूल्यांकन कीजिए। एक तरह से आप देखते हैं मूल्यांकन करने में वैश्वीकरण क्या है, इसका मूल्यांकन कीजिए। इसमें आपका शामिल हो जाता है कि इसके सही रास्ते क्या है, यानी कि इसके फायदे क्या रहे हैं और हानियां क्या रही हैं, वो सभी आपको लिखना होता है। विकास प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में केवल उत्पादन स्तर की वृद्धि में ही मदद नहीं करती, बल्कि इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। इस अध्याय में दिए गए उदाहरण और संदर्भ अध्ययन या परीक्षण करने का प्रयत्न करते हैं कि विकास का लाभ सभी लोगों, छोटे बड़े उत्पादकों, संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, सभी आय वर्ग के उपभोक्ताओं, पुरुष एवं महिलाओं को मिल रहा है या कुछ सुविधा प्राप्त लोगों तक ही सीमित है। यानी कि कहने का मतलब सब में सब लोगों को बराबर हर चीज का फायदा मिल रहा है या कोई छूटा हुआ है इससे। अंतिम अध्याय यानी कि पांचवें अध्याय में एक प्रासंगिक अध्ययन प्रस्तुत करता है कि कैसे और किस सीमा तक हम उपभोक्ता के रूप में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। तीव्र विकास की प्रक्रिया एवं नए ब्रांडों के उदय और अनैतिक उत्पादों के विज्ञापन अभियानों के युग में प्रायः उपभोक्ता ही भ्रष्ट व्यवसाय का शिकार होता है। उपभोक्ता आंदोलन की ऐतिहासिकता की पहचान के साथ वास्तविक जीवन के अनेक दृष्टांतों के माध्यम से अध्याय वर्षों से विकसित विभिन्न किफायती उपभोक्ता संरक्षण की क्रिया विधियों की चर्चा करता है। यह अध्याय विस्तृत विवरण देता है कि कष्टप्रद, खर्चीली और अधिक समय लेने वाली वर्तमान न्याय क्रिया से अलग हटकर संचालित विशेष उपभोक्ता अदालतों से लोग कैसे अत्यंत कम खर्च पर अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं। उपभोक्ता का यहाँ सीधा सा मतलब है कि आप लोग, हम लोग, जो हम कैसे कोई भी सामान खरीदते हैं उसका यूज करते हैं तो हम लोग उपभोक्ता होते हैं। एक बात और बताऊं आपको कि अभी 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019 आया हुआ है, उसे अभी कल ही परसों हम लोगों ने बेहतर ढंग से समझाया हुआ था, एक पूरा आर्टिकल था उसमें बताया गया था कि क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, किस तरह से व्यवस्था की गई है। तो आप लोग देखते रहिए। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि मत देखिए अगर आपको अच्छा लगता है। मैंने आज तक देखिए कभी भी आपको किसी लेक्चर में ये नहीं मिलेगा कि मैंने बोला होगी मुझसे जुड़िए या फिर ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो मुझसे जुड़िए और नहीं लगता है तो आप छोड़कर जा सकते हैं। बस एक बार प्लेलिस्ट सूची जरूर देख लिया करिए, उसमें कई ऐसे लेक्चर बनाए गए हैं कि जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। पाठ्यपुस्तक की अगर विशेषताएं की बात करें तो इस पुस्तक का उद्देश्य अपने आसपास के आर्थिक जीवन को समझना है, इस बारे में भी विचार करना है कि लोगों के आर्थिक विकास से हम क्या समझते हैं। अवधारणात्मक स्पष्टता और इन अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए हमने इसमें अनेक उदाहरण और संदर्भ अध्ययनों का उपयोग किया है। संपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें पढ़कर और उपयोग किया जाना चाहिए। आप समझिए कि उदाहरणों के जरिए आपको समझाया जाएगा। अध्याय शिक्षक के निर्देश से प्रारंभ होता है। किसी भी अध्याय को पढ़ाने से पहले शिक्षक को यह पृष्ठ पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैंने देखा कि सोचा कि पढ़ लें। अध्याय की विषय वस्तु और व्यापक दृष्टिकोण, अध्याय की विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए कुछ निर्देश और विभिन्न शीर्षकों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के स्रोत के विवरण। सभी अध्यायों में प्रत्येक खंड के बाद आओ इन पर विचार करें कि अंतर्गत अनेक अभ्यास भी दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन ये, उन्हें भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें खंड की पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रश्न है और कुछ खुले परिणाम वाले प्रश्न और कार्यकलाप हैं जिन्हें कक्षाओं में या फिर कक्षाओं से बाहर किया जा सकता है। कुछ अभ्यासों को की परिचर्चा के माध्यम से किया जाना चाहिए। छात्र इन पर समूहों में चर्चा कर सकते हैं। उनके निष्कर्षों और उत्तरों को संपूर्ण कक्षा में बहस के लिए रखा जा सकता है। इसके लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी, परंतु यह अनिवार्य है क्योंकि इनमें छात्रों को छानबीन करने और एक दूसरे से सीखने में सहायता मिलती है। इसका अभिप्राय पहले की तुलना में छात्रों के बीच अधिक पारस्परिक और सहयोग में मदद करना है, लेकिन इसकी कोई तयशुदा विधि नहीं है। प्रत्येक शिक्षक को स्वयं अपने पढ़ाने का ढंग विकसित करना होगा और हमें उनकी क्षमता पर विश्वास करना होगा। यहाँ मैं एक बात ही कहूँगा कि अगर आप सिविल सर्विस या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के कईया जो क्रियाकलाप होते हैं, जो प्रयोगशालाओं की बात की जाती है, उन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उन्हें एक से दो बार पढ़ लीजिए, बहुत है आपके लिए।
लेकिन जो क्वेश्चन दिए जाते हैं लास्ट में उसे आप लोग ध्यान से पढ़ लिया करिए और हो सके तो आंसर दिया करिएगा उनका, ठीक है। जहां संभव हुआ हमने आधुनिकतम समंकों को देने का प्रयास किया। हाल के वर्षों के प्रामाणिक सभी समंक उपलब्ध नहीं, थोड़ी से वर्षों से में सभी आर्थिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन भी नहीं होते। आधुनिकतम समंकों की चिंता किए बिना आप यह बताएं कि अवधारणा विशेष को उससे संबंधित आंकड़ों का केंद्रीय भाव क्या है, समंक पहलुओं का पर प्रश्न से बचा जा सकता है। एक और बात याद रखिए कि इसमें जो भी आंकड़े होंगे थोड़े पुराने होंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अपडेटेड नहीं रहते, लेकिन आपको समझना है यहाँ कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि पुराने आंकड़े हैं कि नए आंकड़े क्या है, कुछ नहीं। आपका एक बेस मजबूत हो जाए उसके बाद आप लोग करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए। और आप जानते हैं कि आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बिना न्यूज़पेपर यानी कि बिना करंट अफेयर्स के आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। तो करंट से जुड़ना आपका कर्तव्य है और आपको इसका पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक को तैयार करते समय अनेक संदर्भ सामग्रियों का उपयोग किया गया। इसके अलावा समाचार पत्रों की अनेक कतरनों, सरकारी व गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्टों को भी शामिल किया गया है और इनमें से कुछ का उल्लेख शिक्षकों के लिए निर्देश में किया गया है। कुछ पुस्तक के अंत में सुझावित पाठ सामग्री में दिए गए हैं। अतिरिक्त जानकारी और पाठ सामग्रियों की कक्षाओं में चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। संचित सर्वेक्षणों, आसपास के लोगों के साक्षात्कारों, संदर्भ पुस्तकों अथवा समाचार पत्रों की कतरन इत्यादि के रूप में भी हो सकता है, इसलिए इनका उपयोग छात्रों द्वारा स्वतः चार्ट बनाने, वॉलपेपर डिस्प्ले, प्रदर्शन, बहस आदि के रूप में पितोत्तर और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी मूल्यांकन कर सकते हैं। इसका मूल्यांकन लास्ट में, देखिए एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि ये आपका आंसर राइटिंग हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी अगर वैश्वीकरण के बारे में भी लिखने को आ रहा है तो पहले आप लोग एक वैश्वीकरण की परिभाषा दे देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसके लाभ क्या है या फिर हानि क्या है, पहले लाभ लिखें तो बेहतर रहेगा, पहले लाभ क्या है उसे यानी कि सकारात्मक परिणाम रहे क्या रहे इसे भी लिख सकते हैं, उसके बाद नकारात्मक परिणाम क्या रहे उसे लिखिए और लास्ट में एक कंक्लूजन यानी कि एक निष्कर्ष लिख सकते हैं कि आखिर आपका बीच का रास्ता क्या है, आपकी सोच क्या है। ये तो आपने बता दिया है देखकर कि इसमें सही क्या हुआ है, गलत क्या हुआ, लास्ट में लेकिन आपका दिमाग क्या कहता है उसे आप लोग एक लिख सकते हैं बैलेंस बनाकर। शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 और परीक्षा सुधारों पर राष्ट्रीय फोकस समूह की स्थिति पत्र ने परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के तरीकों में बदलाव के लिए अपील की। इस पुस्तक में पूछे गए प्रश्न रटने को बढ़ावा देने वाली मूल्यांकन प्रणाली से हटकर पाठकों की रचनात्मक सोच, कल्पनाशीलता, प्रत्युत्तर और विश्लेषण क्षमता को धारदार बनाने वाली प्रणाली अपनाई गई। यहाँ दिए गए उदाहरणों के आधार पर शिक्षक अतिरिक्त प्रश्नों को भी तैयार कर सकते हैं। एक बात और हमेशा याद रखिए, आप लोग जानते हैं इतना तो, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इतना तो आप जानते होंगे कि इसमें रट के कभी कोई पास नहीं हो सकता है। इसमें अगर आपकी सोचने की क्षमता नहीं है, आपका दिमाग विकसित नहीं है तो आप मत करिए। आप बेहतर है आपके लिए कि आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करें जिसमें रटने से काम चल जाए, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि अधिकतर बार आपको अपना अपने दिमाग का उपयोग करते हुए उसके बारे में बताना होगा और फिर इंटरव्यू देख सकते हैं आप लोग, आपसे किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि इस पर आपका क्या विचार है। जब आपके पास विचार नहीं होगा तो आप क्या कहेंगे, आपसे पूछ लेगा कि देश में जो धर्म के नाम पर इस तरह की वोट बैंक है इस पर क्या सोचना है आपका, शिक्षा के बारे में क्या सोचना है। अगर आप कह दें कि आपका सोचना होगा तो आप हाँ ना में जवाब देंगे, निकाल दिया जाएगा। तो आपकी सोच विकसित होना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, देखते रहिए आप लोग। उसके बाद इसे भी देख लीजिए, भारत का संविधान। उसके बाद हम लोग पाठ्यक्रम पर चलते हैं, इसमें आखिर इस पुस्तक में कितने अध्याय हैं, कौन कौन से पढ़ना है। उद्देश्य क्या, इसे वैसे तो मुझे लगता है कि रट गई होगी आपको, क्योंकि इतने बार हम लोग देख चुके हैं इसे कि याद हो जानी चाहिए। पूरा संविधान इसी पर आपका घूमता हुआ आसपास। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्मर्पित करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ संविधान लागू कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। इस तरह के भी आप लोग पॉइंट याद रखिए। बाकी इस पुस्तक को आप लोग अच्छे से बैठकर जब भी आपको टाइम मिले पढ़ते रहे। तो ये आपकी विषय सामग्री है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहला अध्याय आपका विकास से संबंधित है, दूसरे अध्याय में बात करेंगे हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखेंगे, यानी कि इसके क्षेत्र देखेंगे, फिर बात करेंगे मुद्रा और साख के बारे में, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, और पांचवा अध्याय होगा उपभोक्ता अधिकार। ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है आपका। तो इस तरह से आपके ये टोटल पांच अध्याय रहेंगे इसमें।